चैनल 24 इंडिया टीवी आपका हार्दिक स्वागत। नमस्कार। क्या कुछ कहिएगा इस मानव अधिकार संघ को? नाम से ही परिचित है, जो काम हम लोग जनता के बीच में रहकर कर रहे हैं मानव सेवा, वही ध्येय मानव अधिकार का भी है। विशेषकर जहाँ भी किसी भी व्यक्ति या संगठन के लोगों का अधिकार का हनन होता हो, वहाँ यह संगठन खड़ा रहता है। और कई लोग से मैं पुरुष से परिचित हूँ जिनका समाज में विशेष योगदान रहा है, चाहे उनके अध्यक्ष हों चाहे दादा हों हमारे, ये सारे लोग पहले से अपना योगदान समाज को देते रहे हैं। और अब इस संगठन के माध्यम से ये लोग और ज़्यादा बेहतर काम, लोगों के अधिकारों का रक्षा का काम ये कर रहे हैं, हम इनको साधुवाद देते हैं। हालांकि एक बात तो अच्छी तरह से वाकिफ है जनताओं के बीच की क्षेत्र संख्या 9, जो कि एक बहुत ही बड़ा हॉट सीट माने गए थे, और इस हॉट सीट से आप अपने जीत को बखूबी हासिल किए हैं। क्षेत्र के विकास और जनताओं के जो समस्याओं का समाधान, इस पर क्या कुछ कहिएगा? हम लोग काम शुरू कर चुके हैं। अगर आप देखेंगे कि सबसे बड़ा समस्या जो मैं चुनाव के समय उठाता था कि पेयजल की समस्या हमारे निरसा 9 नंबर क्षेत्र में, और सिर्फ 9 नंबर क्षेत्र ही नहीं, निरसा के कई गाँव हैं ऐसे हमारे क्षेत्र के बाहर के जहाँ ये समस्या मुँह बाए खड़ी है। हम अपने क्षेत्र की एक समस्या तिलतुड़िया गांव का समस्या को लेकर आदरणीय सांसद महोदय, हमारी आदरणीय विधायक महोदय, इनके सहयोग से उस समस्या के निदान के लिए हम लोग अग्रसर हो चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन से जो भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, कुछ लोग मेरे भाई हैं, कुछ मेरे अभिभावक हैं, कुछ मेरे मित्रवत भी हैं, ये सारे लोगों का शुभेच्छा, इनका आशीर्वाद, इनका प्रेम हमेशा से मिलता रहा है। और ख़ासकर इनके जो कार्य हैं क्षेत्र में, इनके लिए मैं इनको साधुवाद देता हूँ। ये हम जैसे मानव सेवा में लगे हो, ये उन्हीं मानव के अधिकारों की रक्षा के लिए ये भी तत्पर हैं, और पैरेलल दोनों काम चल रहा है। हम चुनावी राजनीति में हैं तो आज हमारे माध्यम से जनता का सम्मान हुआ, ये मेरा सम्मान नहीं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के लोगों ने निरसा जिला परिषद क्षेत्र संख्या 9 के जनता का सम्मान किया, माध्यम हम, और इनके इसके लिए भी हम इनका धन्यवाद साधुवाद देते हैं।